दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले माय फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ होता रहेगा कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कोई भी ऑनलाइन, कोई आपका एग्जाम का रहेगा या फिर कोई भी ऐसा, तो आपको पूछा जाता है कि आपका जो फोटो है वो स्कैन करके उसका इतना इतना डीपीआई चाहिए, उसका इतना इतना रिजोल्यूशन चाहिए, उसका पिक्सेल इतना चाहिए, और अगर फोटो एमबी में रहा तो आपको फोटो 50 KB से अंदर चाहिए, 10 KB से अंदर, 15 KB से अंदर, तो फिर आपको परेशानी उठानी पड़ती है, फिर आपको फोटो स्कैन करना पड़ता है या फिर उसके बाद आपको एक्चुअली चाहिए जो सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलता। कि कैसे करते हैं, पहले आपको क्या करना पड़ता था कि एक स्टूडियो में जाओ, फोटो स्टूडियो में जाओ या फिर जिसको कंप्यूटर पर नॉलेज है उसको फोटो दे दो, फिर वो फोटो अपने कंप्यूटर में क्रॉप करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसमें टाइम जाता था, कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल, आपके पास स्मार्टफोन होगा तो उसी पे आपको ऐसे सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे एप्स बताने वाला हूँ जिससे आप बैठे बैठे बहुत ही आसान तरीके से अपना फोटो कितने 10 MB का, 6 MB का, 5 MB का फोटो आपको 10-15 KB में आराम से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा ऐप है फोटो कॉम्प्रेस, इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको तीन ऑप्शन आएंगे, गैलरी, कैमरा और अलग अलग फाइल एक साथ आपको करनी है तो कॉम्प्रेस एंड रिसाइज मल्टीपल फोटोज। तो हम यहाँ से गैलरी से एक फ़ोटो ओपन करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो लेते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे यह हमारा ओरिजिनल फ़ोटो है 6 MB का, उसके नीचे आपको कॉम्प्रेस इमेज, रिसाइज इमेज, क्रॉप इमेज, सेव एंड क्लोज के ऑप्शन है। तो इसे हम पहले क्रॉप करेंगे, क्रॉप इसमें आपको जितना फ़ोटो चाहिए उतना लेंगे, यहाँ से हम डन कर देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा फ़ोटो 1 MB का हो गया, अब इसे हम थोड़ा रिसाइज करते हैं पिक्सेल्स में, इसका विड्थ रखते हैं 100 और हाइट उसी के प्रोपोर्शन में वो सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके रिसाइज करेंगे। देखो दोस्तों ये हमारा फ़ोटो कितने आसानी से 15 KB में सेट हो गया, और इस फ़ोटो का हम अभी सेव भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा जो ऐप है फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर, ये अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे एक फ़ोटो ले लो, आपको जो करना है क्रॉप कोई भी एक, यहाँ पे इसका रिजोल्यूशन बताया है और टोटल साइज़ है 6 MB का। हम इसे यहाँ पे जो रिसाइज का ऑप्शन है उसमें से कोई भी एक ले लेंगे। देखो दोस्तों 6 MB का फ़ोटो अभी 186 KB में कन्वर्ट हो गया है, इसे हम और थोड़ा रिजोल्यूशन कम करते हैं, 480x723 लेते हैं। तो दोस्तों देखो ये हमारा 6 MB का फ़ोटो अभी 99 KB में हो गया है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो मेथड है, एक मैनुअल क्रॉप और पिक्सेल साइज क्रॉप। तो हम पिक्सेल साइज में मतलब पिक्सेल सेट करके, तो यहाँ पे हम पिक्सेल सेट करेंगे 120x120 पिक्सेल, ओके करेंगे। यहाँ पे फ़ोटो जितना चाहिए उतना क्रॉप करेंगे और सेव कर देंगे। तो देखो यह हमारा फ़ोटो 15 KB में रेडी हो गया। और हमारा तीसरा ऐप है रिड्यूस फोटो साइज, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लो,
यहाँ पे तीन चार ऑप्शन है, शेयर, रिड्यूस क्रॉप, इसको हम रोटेट कर लेंगे। ये 5.9 MB मतलब 6 MB का फ़ोटो, इसे हमने रोटेट कर लिया। इसे हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखो दोस्तों, पिक्सल हम सेट करेंगे, हमें जितना पिक्सल चाहिए। 46 KB का फ़ोटो हमारा रेडी हो गया, 520x640 पिक्सल्स में। तो इस हिसाब से हम अपने पिक्सल सेट करके। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, आपके कुछ भी सवाल रहेंगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाओ, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चले। धन्यवाद।